1956 में आंध्र प्रदेश आंध्र को तेलंगाना में जन्म रियासत हैदराबाद में जन्म किया गया। उस वक्त तेलंगाना के अवाम के साथ नाइंसाफियाँ चलती रहीं। चुनाचे हम एजिटेशन जब ही से चल रहा था तेलंगाना की अलाहदगी के लिए, उस वक्त 1960 में तेलंगाना फाउंडेशन का हम लोग बुनियाद रखे, इसके लिए तेलंगाना की अलाहदगी के लिए काम करते रहे। उसके बाद 1969 में डॉक्टर चन्ना रेड्डी साहब का बहुत बड़ा जुल्म था, TPS बनाए उन्होंने, हम हर महल्ले में हर जगह हम लोग जाके तेलंगाना फाउंडेशन की तरफ से जाके हम एक ही जमात बनाए, वो TPS के साथ हो गए। चुनाचे आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद वो था, मगर बाद में कुछ ऐसे मराहल आए क्यों बनने की बजाय कुछ जैसा चला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वगैरह कुछ मरा दे के उसको जो है थोड़े दिन के लिए कायम रोक दिया गया था। फिर उसके बाद 1956 में तेलंगाना अमलन जो है वो 1953 में इंडियन गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का एक वो निकाली, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में इसको हैदराबाद को रियासत हैदराबाद के तीन हिस्से करिए, कुछ मराठवाड़े में, कुछ कर्नाटका में और कुछ तेलंगाना स्टेट बना के पाना, उस वक्त तेलंगाना नहीं था। तेलंगाना एक रीजनल कमेटी, रायलसीमा, तेलंगाना और आंध्रा, ये तीन रायल सब एक कमेटी रीजनल कमेटी थी। इनका अलग अलग बजट बना के सबको अलग अलग दिए। KV रंगा रेड्डी साहब पहले चेयरमैन थे हमारे तेलंगाना रीजनल कमेटी के, उस वक्त तेलंगाना का वो नहीं था। जब एजिटेशन हुआ तो एजिटेशन के बाद में ये तेलंगाना तेलंगाना बोल के रखे, हालांकि रियासत का नाम तो रियासत हैदराबाद ही था। अब जब मुसलसिल देश चल रहे थे तो 1960 में तेलंगाना फाउंडेशन हम बुनियाद डाले थे, उसके तहत हम बहुत से जो है पब्लिक रिफाई काम करते रहे। सबसे पहले मैं जो ख़ास तौर से आपको बताना चाहता हूँ कि 1947 में सर निज़ामद जंग एक 2650 गज एक यूनानी दवाखाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को दिए थे। मुसलसिल चलता रहा, लेकिन ये 40 साल की अदालती और दफ्तरी कारोबार करने के बाद कई कब्जे इस पर हुए, वो ज़मीन पे वो छुड़ाते गए। फिर ये हमारे उसमें यूनानी दवाखाने के लिए वो कमिश्नर इंडियन मेडिसिन को ये दे दिया गया। देने के बाद में फिर तेलुगु देशम गवर्नमेंट आई, आने के बाद में उन्होंने एक रिसर्च SC ST रिसर्च कॉर्पोरेशन एक वो डाले डाल के उसमें उन्होंने बंडा दत्तात्रेय की, क्योंकि कोलिशन में थी BJP के गवर्नमेंट तेलुगु देशम गवर्नमेंट, वो वहाँ एक मंदिर बना दिए और उसको ये सेंटर बनाए। फिर तेलंगाना फाउंडेशन की तरफ से कोशिश करते हुए वो हमारी कोशिश को हम कायम रखे और फिर अदालत को गए। अदालत के बाद जाने के बाद दवाखाना आ गया। उस वक्त चीफ मिनिस्टर कांग्रेस राजशेखर रेड्डी साहब 3,50,52,00,000 रुपए एकदम सैंक्शन करे, मीटिंग करे इंडियन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को, वो अमाउंट भी रिलीज कर दिया, बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बनने के बाद में इस दरमियान वो तेलंगाना 2014 में तेलंगाना बना और टालम टूल करते रहे। और अब इस वक्त एक गारबेज गोदाम बना हुआ है, दूसरों के हक में है ये। जब से ये हमारा तेलंगाना हुकूमत बनी है ये इन दवाखानों के लिए सब बहुत खराब। वैसे यूनानी दवाखाने नहीं, एक ही दवाखाना खुली खुतुब शाह ज़माने से चल रहा है। अभी हेल्थ मिनिस्टर साहब हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन यूनानी एक कॉलेज को महफूज रखने के लिए उनके पास कोई नहीं है। कोविड का जो है एक सेंटर बना दे के रखे थे कोविड के ज़माने में, और ना तो उसके स्टाफ है, ना लेक्चरर्स है, ना प्रोफेसर्स है इसके ऊपर, नहीं सारा मुसलसिल हुकूमत की तरफ से नाइंसाफियाँ हैं, ये चलती रही। इससे हट के जितनी अवकाफी जायदादें हैं, अगर ये अवकाफी जायदादों को अगर वो वोट के कंट्रोल में कर दिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हमारा पुराना मतालबा ये है कि वफ कमिश्नरेट बना के गवर्नमेंट के तहत लाना, जैसा कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट्स है। ये नहीं करके रख रहे हैं इसके ऊपर पूरी जायदादों, 99% जायदादों में जो पुरानी निज़ाम की जो कब्ज़ा हो गया है। जितने बड़े बड़े स्कूल थे, जैसे आयदा स्कूल है, आसफिया स्कूल है, मुमताज़ कॉलेज है, अनवालूम है, ये सारे कॉलेजेस पे जो है कब्ज़े हो गए, सब कब्ज़ेदारों में। अगर ये सारे एक एजुकेशन कमेटी बना के ये सारे लें तो मुसलमानों को अगर तालीम है ये हमारे इदारों में अगर दें तो मुफ्त तालीम दी जा सकती है, और हमारे को जो आमदनी हमारे जायदाद की है उससे रियासत तेलंगाना और रियासत हिंदुस्तान की भी जो है हमको माली इमदाद हमारी तरफ से हम दे सकते हैं। हमारे को किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के जो सरपरस्ती की भी ज़रूरत है, हम खुद कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जायदादें हमारे हक में दे दें। ये सारी 99%
जितने भी हैं औकाफी जायदादें हैं सारे जो है कब्जे हो गए और बहुत से तो ऑफिसर्स बन गए, ऑफिसर्स को ख़त्म करें जैसा इंडस्ट्री सेक्टर है चिराग अली गली में और दूसरे सी ऑफिस है इंजीनियरिंग ऑफिस जहाँ भी हैं वसी अराजी पर बने। उस्मानिया यूनिवर्सिटी है जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी को भी ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा ये मौजूदा हुकूमत जो पहली तेलंगाना हुकूमत है किसी के मफाद में नहीं, अवामी मफाद में नहीं है, हर एक के लिए तक। और एक दूसरा केस हरमैन शरीफैन के 5 जायदादें वक्फ हैं, ये 5 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं। एजुकेशन कमेटी वक्फ बोर्ड में बनी, वो वक्फ बोर्ड में है जैसा मदीना एजुकेशन, मदीना पब्लिक स्कूल, ये सारी जायदादें वक्फ बोर्ड के तहत हैं। इसका आरिफुद्दीन साहब को उसका मुतमद बनाए थे और एजुकेशन के कमेटी का सेक्रेटरी बनाए थे। उस वक्त मन्नान साहब इसके, डॉक्टर मन्नान साहब इसके सदर थे। खैर ऐसे तो बहुत लोग आए गए लेकिन इन्हों अपना कब्जा जायदे थे। हम तेलंगाना फाउंडेशन की तरफ से चेयरमैन हाउस कमेटी को एक दरख्वास्त दिए, हाउस कमेटी से इंक्वायरी हुई, गवर्नमेंट से इंक्वायरी हुई, उनको लेके फिर ये वापस जो है वक्फ बोर्ड के तहत करने के लिए भी ऑल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस याद रखा गया। उसी वक्त शेख मोहम्मद इकबाल स्पेशल ऑफिसर आए थे, मैं नाम बहुत उससे लूँगा, क्योंकि वो आके पूरी जायदादों को अपने कब्जे में वक्फ बोर्ड के कब्जे में ले लिया गया। उसके बाद में अब जब यह हुकूमत आई तेलंगाना हुकूमत तो आरिफुद्दीन साहब तो मर गए थे, वो उनकी उन पर एक्शन लेके कहाँ डिसिप्लिन एक्शन लेने का जहाँ ऑर्डर है हाउस कमेटी का, अगर हुकूमत हाउस कमेटी को भी नहीं मानती है तो अदालती पावर लगती है, असेंबली की अप्रूव्ड कमेटी है उसमें जब अप्रूव भी उसकी उस पर अमल आवरी करे बगैर। अब सुना गया ये आरिफुद्दीन साहब की बीवी को फिर पूरी जायदाद वापस कर दिए जो वक्फ बोर्ड को आ गई थी। ये सरासर एक साजिश है, एक साजिश के तहत हम लोगों को पछाड़ने के लिए, मुसलमानों की तालीमी जो है गुरबत और इफलास में रखने के लिए, उनको तालीमी मैदान से बाहर करने के लिए एक आमदन किया जा रहा है और इसके लिए हम मुसलसल लड़ते रहे हैं और अभी हम लड़ते रहेंगे इसके लिए। और वैसे एक निज़ाम जंग ये तो दवाखाना बना, वैसे कई ऐसी काफ़ी ज़्यादा हैं जैसा हुसैन शाह वली की जो हाउस कमेटी बनी हुई है वो दारुसलाम की बनी हुई है, वो जो है उनसे हुसैन शाह वली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका मसला अलग है, इनका मसला अलग है, लेकिन कमेटी एक भाई सदर, एक भाई मुतमद, एक भाई खादिम और 2 भाई अराकीन हुसैन शाह वली कमेटी ये बनी है वक्फ बोर्ड की तरफ से। इसलिए हाई कोर्ट में जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसलिए हारे कि उसको वक्फ के जो वकील साहब हैं उनको तो बिठा दिया गया और चीफ मिनिस्टर साहब हमारे तेलंगाना के सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के थे जो उनको हुकूमत की तरफ से वकील मुकर्रर किया गया। ये कायदों को भी मालूम है, हमारे कायदीन को भी मालूम है, सब इसमें मुलविस हैं, सब की जो इसमें शराकत है, किसी को अलग है नहीं बोलते, ये सारी चीज़ें सामने हैं। अब खाली मुसलमानों को पस्ती में डालना, गुमराही में डालना, उनको तबाही की तरफ ले जाना, ये सिर्फ जो है एक एजेंडा है जिसका जो है हमारे कायदीन भी उसका दे रहे हैं, हमारे लोग भी दे रहे हैं, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए भी। और ये सारी देखिए ये पूरे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक है, ये सब निज़ामत जंग का है, मदीना एजुकेशन कमेटी का है, ऐसे कई केसेस हैं जो हम लड़ रहे हैं और हम उसके अलग अलग तरीके से लड़ते जा रहे हैं। इससे हट के भी जैसा ये माइनॉरिटी अम्बतमिन स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्निकल ये कॉलेजेस के लिए, लेकिन वो फीस नहीं देने से बच्चों के सर्टिफिकेट रोक ले रहे हैं। जो कौन रहते हैं माइनॉरिटी कॉलेजेस, बच्चों के सर्टिफिकेट रोकने से, इंजीनियर पास करने के बाद 2 साल तक सर्टिफिकेट रोकिए, जिसकी वजह से ना तो हायर एजुकेशन को जा सका और ना जो है तालीम अपनी कंटिन्यू कर सका। ये हमारा तेलंगाना एजुकेशन कमेटी की तरफ से अनवारूम कॉलेज में एक बच्ची को हरास करे, 58,000 रुपये से डोनेशन लेके सबमिटर दिए, उसको नहीं बिठाए, हम लोग हाई कोर्ट को जाके बच्ची को यूनिवर्सिटी के खिलाफ डाल के हाई कोर्ट एग्ज़ाम में भी बिठाए और उसके बाद में ये बच्ची के सर्टिफिकेट दिलाने की वजह से दोबारा इन्हें नौकरी पे गई, वरना जो है बिल्कुल गरीब गुरबत में जो है उससे वो वैसे मुसलमान का। और ऐसे बच्चियां एक मेडचल में है इफ़त जहां, उसके सर्टिफिकेट रोक लिए, DSR इंटरनेशनल स्कूल में काम कर रही थी वो, उसके सर्टिफिकेट इज ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी बाय द सुप्रीम कोर्ट, नोबडी कैन स्टॉप और नोबडी कैन टेक द सर्टिफिकेट आइदर इन कॉलेज और इन सर्विस। आप सर्विस का भी जिला से लेके अटेस्टेड करके वापस करना है, वो ये कानूनी जुर्म है,
पुलिस स्टेशन में बिठा के हम लोगों को ये पूरे लोगों के सर्टिफिकेट बच्चों को दिलाए और वो आज अल्लाह के बदले पढ़ भी रहे हैं, बाहर भी चले भी गए हैं, मुलाजिमत में भी चले गए हैं, वो लोग कुछ काम कर सक रहे हैं। ये काम करना किसी क़ियादत का काम। अब लोग बोलते हैं कि मुसलमानों की क़ियादत नहीं है, अब ये जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? तो इसके लिए किसी को आगे आना ही है। तो हम ऐसे केसेस हमारे पास आते भी हैं, लोग ये सब देखे बच्चियों के हैं जिसको हम दिलाए हैं पुलिस स्टेशन में। अनवारूम कॉलेज साहब के भी नाम बहुत बड़े नामकारी नवाब हैं, उनको भी पुलिस स्टेशन में मिला के बच्ची के सर्टिफिकेट दिलाए। ये जो है आपके अनवारूम कॉलेज के अलावा ये कौन सा एक ये डीआरएस इंटरनेशनल स्कूल और ऐसे माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए कॉलेजेस खोले हैं, इससे सिर्फ मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे कई स्कीम थे जो गवर्नमेंट निकाल दी, खाली बेवकूफ़ बना दी, फ़ायदा किसी को भी नहीं। डबल बेडरूम स्कीम दिए वो मुसलमानों को तो किसी को नहीं दिए। उसमें हमारा तेलंगाना फाउंडेशन से हम रिप्रेजेंटेशन दिए थे ऐसे मुलाजिम ने सरकार, आप सबको देने दीजिए, ऐसे मुलाजिम ने सरकार हैं जो 40 साल हुकूमत रहने के बाद में हुकूमत के में सर्विस करने के बाद वजीफे पे गए हैं, ना उनको लोन मिला ना मकान मिला, आज भी किराए के मकानों में, आप उनको क्यों नहीं देते? वो लोग आवाम की खिदमत करें, 40 साल गवर्नमेंट सर्विस में रहने के बाद भी अगर उसका कोई घर नहीं है तो ये भी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी की बात है। ऐसे कई मसाइल हैं, या मुकामी आदमी जो कायद रहते हैं उनके जो छोटे मोटे लीडर रहते हैं महल्ले में फिरने वाले, वो लोग फ़ायदा उठाएँ, कुछ भी नहीं दिया। और बोगस सर्टिफिकेट पे जो सारी चीज़ें ले ली हैं, सारी चीज़ें बोगस सर्टिफिकेट पे, कोई जो है हक़ नहीं, इम्तियाज़ नहीं। लिहाजा तेलंगाना फाउंडेशन की ये ख्वाहिश है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को अगर आगे लाना है, उनको एजुकेशन में करना है, तो ये सब लोगों का काम है, जमात का काम है, हम लोग काम कर रहे हैं, गली गली जाते हैं, जो भी लोग हैं हमारे पास खुद आते हैं। तेलंगाना फाउंडेशन, आपको तेलंगाना फाउंडेशन उस पर मिल भी जाएगी, हमारा वेबसाइट तो नहीं है, वेबसाइट खोलने के अभी उसमें नहीं है, अल्लाह चाहे तो देखेंगे। तो हमारे होने के बावजूद भी आपको ये YouTube वगैरह जो भी आपके सर्विस देते हैं इसके ऊपर हमारी बहुत सारी बातें हैं जो हम करें, वो आए इससे पहले। अब आप देखें इसके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदू वगैरह तेलंगाना भूमि सभी में जो है सारी चीज़ें आए जो मिला। और ख़ास बात आशिर खान, और ख़ास बात जो मैं उसका बोलूँगा निज़ामत जंग के दवाखाने का, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब इससे मुतासिर होकर दवाखाने का नाम सर निज़ामत जंग गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल नारायणगोड़ा रखा गया, इसका भी जो ऑर्डर निकला है, इसका भी जो ऑर्डर निकला। तो ये सब कुछ हो रहा है लेकिन ये हुकूमत तो कुछ सुनने तैयार नहीं है, न तो अपॉइंटमेंट मिलता है, ना इंटरव्यू मिलता है, ना उन तक पहुँच सकते हैं। और ऑफिसर से पूछते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स, ये लोग मजबूर हैं, करना चाहें तो भी ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि सियासी सरपरस्ती उनको न मिल जाए। अभी ये चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो उसको कर रहे हैं। आशुर खान है एक, मुझे मालूम है कौन सा है, यूनानी फाउंडेशन की तरफ से हम हुकूमत से ये मतालबा करते हैं कि सर निज़ामत जंग यूनानी दवाखाना जो हुकूमत की निगरानी में दे दिया गया है, ये 7 साल से जो है खाली वही ये पूरे जब से तेलंगाना बना है ये हुकूमत बिल्कुल कचरेदान बना दिया गया है, इसको कारकर्द बनाया जाए और इसमें यूनानी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करके इसको बहाल किया जाए। दूसरा ये यूनानी डिस्पेंसरी नारायणगुड़े की जो निज़ाम के ज़माने से चलती रहेगी उसको भी जो है दूसरे पब्लिक को दे दिया गया, उसको वापस लेके यूनानी डिस्पेंसरी वहाँ कायम की जाए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे किंग कोटी यूनानी स्पेशलिटी इसकी बना, पूरा दवाखाना बन गया, किंग कोटी हॉस्पिटल में बना, गवर्नमेंट की मंजूरी से बना, उसके बना बिल्डिंग बनने के बाद भी वो फिर दूसरों को दे दिए, वो यूनानी स्पेशलिटी क्लिनिक नहीं है। अब निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल का तो हो रही दीजिए बाद में, मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोलती जा रही है, जबकि जब ये पुराना जो मर्ज जैसा निज़ामिया तिब्बी कॉलेज है, एक ही कॉलेज 600-800 साल से चल रहा है, इसमें फिर कॉलेज खोला नहीं गया, बल्कि है तो कॉलेज ही जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है, जिसकी देखभाल नहीं हो रही है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यूनानी के सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स में दवाखाने आए, वहाँ यूनानी हॉस्पिटल का उनका रखना चाहिए। डबल बेडरूम जितने भी हैं मुसलमानों को जो आप दे रहे हैं उसके अब जो है उसके साथ
ऐसे मुलाजमीन जो खर्चा भी नहीं मिला और जिसको जो है मकान जो है बनाए भी नहीं, जो किराए के मकानों में रह रहे हैं उनको डबल बेडरूम स्कीम उनके हिस्से में दी जाए। हरमैन शरीफन की जो प्रॉपर्टीज और एजुकेशन हैं इंस्टीट्यूशन हैं वो चूँकि कंट्रोल में तेलंगाना बनने से पहले तेलंगाना जब बना या उसके कब्ज़े में आ गए थे, लिहाजा तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो हुकूमत जो अब दूसरों को दी है वापस ली जाए। मौरूसी जायदाद नहीं है बल्कि मौखा भी जायदाद है। हुसैन शाहली दरगाह का जो भी मुकदमा है उस मुकदमे को अपील करके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जाए। आयदा स्कूल अनवारूम कॉलेज, आसफिया स्कूल, मुमताज़ कॉलेज, ऐसे जितने भी निज़ाम हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसको तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तहत किया जाए और एक तेलंगाना एक एजुकेशन कमेटी बना के इन सारे स्कूलों को बना के मुसलमानों को ख़ास तौर से आगे जो है तालीमी सहूलतें फराहम करने की कोशिश की जाए। हम जो है ये मतालबात हमारे हैं। कि आप लोग बहुत कीमती वक्त दे के हमारे पास आए और हमारी इन बातों को सुने, और ये मीडिया ऐसी चीज़ है जो सारी दुनिया में जाती है, यहाँ कम अज़ कम हुकूमत तक भी जाती है, अपोजिशन को भी जाती है, सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे ये मसाइल हैं उनको लेना चाहिए।